नमस्कार, आप देख रहे हैं थलका न्यूज और मैं हूं विनय कुमार। विद्युत विभाग एसडीओ ने जिला महामंत्री रामाश्रय मौर्य पर दर्ज कराया मुकदमा। जी हां, भाजपा जिला महामंत्री रामाश्रय मौर्य पर सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री एवं राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता पूर्व प्रधान रामाश्रय मौर्य पर एसडीओ विद्युत विभाग हलदरपुर भानु प्रताप ने राजकीय कार्य में अवरोध पैदा करने का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जिला महामंत्री रामाश्रय मौर्य ने बताया कि एसडीओ की कार्य प्रणाली जन भावनाओं के विरुद्ध है। जी हाँ, रामाश्रय मौर्य ने यह आरोप लगाया कि जो शासन की मंशा के अनुरूप जैसा कार्य होना चाहिए तत्कालिक विद्युत विभाग एसडीओ का वैसा कार्य नहीं था। स्थानीय नागरिकों को तमाम तरीके से परेशान किया जा रहा था, जिसके खिलाफ उनकी कार्रवाई चल रही थी, पर रामाश्रय मौर्य पर इस प्रकार का आरोप लगाते हुए कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। जिले के प्रभारी मंत्री से लगायत ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा तक इस मसले को पहुंचाया गया है। इसके चलते एसडीओ अपनी खुन्नस निकालने के लिए प्रार्थना पत्र देकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के संबंधी बाद मुकदमा पंजीकृत कराया है। इधर मुकदमा दर्ज होने के बाद व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों में काफी रोष है। लोगों ने एसडीओ कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इनका स्थानांतरण होना चाहिए और इस प्रकार के जन विरोधी कार्य करने वाले सभी सरकारी अमलों के अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि योगी सरकार के अच्छे कार्यों को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए थलका.in। हर नक्काशी पर आप कहेंगे वाह, हर कलाकारी में बजेंगी तालियां। अब जब आप पहनेंगी जौहरी ज्वेलर्स की ज्वेलरी तो आपसे नजर हटेगी कैसे? लाइए कोई भी डिजाइन और जौहरी ज्वेलर्स में आपको मिलेगी बिल्कुल वही डिजाइन, साथ ही पाएं सभी ज्वेलरी मेकिंग पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर्स। विजिट जौहरी ज्वेलर्स।